नमस्कार, रेडियो पिटारा के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं ताकि उनके अनुभव को किसानों के साथ साझा किया जा सके। और आज के हमारे मेहमान हैं अभिषेक कुमार जी, जो कि हमें FPO से जुड़ी जानकारी देंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लागत में सर कमी कैसे की जा सकती है, किसानों के लिए भी काफी बड़ी एक चुनौती होती है। देखिए, लागत में कमी का एक उपाय ही है कि आप अपने सेल्फ सोर्सेज से सीड का या सैपलिंग्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरा ये है कि ग्रुप बनाया जाए, FPC बनाया जाए। आज के डेट में अधिकतर राज्य सरकारें FPC को कस्टम हायरिंग की सुविधा दे रही है। कस्टम हायरिंग में होता क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट के मशीनरी को एक सर्टेन लेवल का सब्सिडी दिया जाता है। तो मान लीजिए कि एक पावर बीटर है जिसको आप लेने जा रहे हैं बाजार में 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन जब आप कस्टम हायरिंग लेते हैं अपने पीसी पे या अपने समूह पे तो वो सिर्फ 30,000 का पड़ता है। तो जब वो मैकेनाइजेशन खेतों में आएगा तो नेचुरली कॉस्ट कटिंग आएगा। थर्ड जो है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक सर्टेन समय में एक सर्टेन तरीके के घास का प्रकोप बढ़ता है, तो आपको टेक्नोलॉजी जो है आपके आसपास के केवीके से या साइंटिस्ट से या किसान कॉल सेंटर से या आपके जैसे लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को सीखना होगा कि एक सर्टेन फसल में कौन सी हर्बिसाइड का मैं इस्तेमाल करूं। जैसे होता है कभी कभी कि कोई सब्जी है जिसमें पतली वाली घास आ जाती है, कोई फसल है जिसमें चौली वाली घास आ जाती है, कोई ऐसी फसल है जिसमें दोनों तरह के खरपतवार होते हैं, तो आपको वो पता करके वो स्प्रे का छिड़काव करना होगा। क्योंकि एक बार जब घास उग गया तो आप कितना उखड़वाएंगे उसको। लेकिन जो होशियार किसान होता है, आप देखेंगे कि एक सर्टेन फसल लगाता है और उसी 24 घंटे के भीतर प्री इमरजेंस का छिड़काव कर देता है। जैसे ही वो छिड़काव कर दिया तो घास उगा नहीं तो कॉस्ट बचेगा जो उसको। तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिसके थ्रू आप कॉस्ट की कटिंग कर सकते हैं। और आजकल ऑर्गेनिक भी लोग अपना रहे हैं, घर में गौमूत्र या गोबर से जीवामृत, अमृत कृषि जैसे टेक्निक्स को अपना रहे हैं, तो ये भी एक कॉस्ट कटिंग मेथड है बिल्कुल। क्योंकि फर्टिलाइजर पे एक बड़ा कॉस्ट होता है और जैसे जैसे समय के साथ आपके मिट्टी में डेटोरिएशन होता है तो उसको संभालने के लिए एक मेजर कॉस्ट कभी न कभी आपके ऊपर आएगा। कहीं कहीं कुछ ऐसे बायर हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक के अच्छे मूल्य भी चुकाते हैं, तो ऑर्गेनिक भी कॉस्ट कटिंग का एक अच्छा मेथड है। सर, सरकार भी अक्सर मतलब किसानों से कह रही है कि आप मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित कृषि करें, तो ये किसानों को मतलब कई बार समस्या होती है कि आखिर मौसम की के पूर्वानुमान की जानकारी कहाँ से मिले उनको। देखिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए आजकल हर कृषि विज्ञान केंद्र ने एक डेटाबेस हर राज्यों के यूनिवर्सिटी को दे रखा है और वो लोग वहाँ से मैसेज भेजते हैं। थोड़ा रेडियो से या जो कुछ अदर किसान के चैनल्स हैं उस पे देखना है मौसम का। तो नाम थर्ड है कि करीब करीब सारे घरों में स्मार्टफोन आ गया है, तो एक बार आप गूगल में जाके अगले 7 दिन का मौसम का पूर्वानुमान देख लीजिए। फोर्थ ये है कि आप अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र है नजदीकी, उससे संपर्क साध लीजिए। ये बहुत जरूरी होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कृषि विज्ञान केंद्र उनकी बहुत मदद नहीं करता है, बट ऐसे ऐसे समय में बहुत कारगर होता है। ठीक है, तो सर अभी तमाम विषयों पर बात हुई, फिर संबंधित अगर आप किसानों को कुछ कहना चाहें। स्पेशल मेरा कोई मैसेज नहीं है, जो चीज है अगर वो लोग सुनने के साथ जो भी उनके क्वेश्चन है वो आपके सिस्टम पे रेज करें तो हम लोग उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसी आपदा में एक बार फिर से किसानी के रोल को, किसानों के एफर्ट को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। कई ऐसे लोगों के पोस्ट या ट्वीट मैंने देखे हैं, तो ऐसा है कि हाल के समय में सबने इसको रिकॉग्नाइज किया है। काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कहिए या जो नौकरीशुदा वर्ग है जिनको ऐसा लगता था कि दाल महंगा क्यों मिलना चाहिए, उनको भी ये फील हुआ है कि कितना मुश्किल है अनाज को पाना। और अगर अनाज नहीं है तो आपकी सारी सुविधाएं घर में एसी रहे, कंप्यूटर रहे, इंटरनेट रहे, सब धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये हम है कि हम लोग इसमें बने रहें
हमारा समय भी आया है और इनकम फ्रंट पे या जो फ्रीडम फ्रंट है उसको हम लोग इंजॉय करेंगे। तो ये थे अभिषेक कुमार जी, उम्मीद है आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा, मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।